देखो कपिल मिश्रा, हमारी जो संस्कृति रही है कि हम किसी में खुशी में जाएं नहीं जाएं, दुख में जाते हैं। एक बंदा दिल्ली से चलकर जनप्रतिनिधि है, विधायक रहे, अभी राष्ट्रीय टीम में है, प्रवक्ता है, अगर वो मिलने आ रहे हैं तो उसमें हर्जा क्या था? दुख बांटने आ रहा, अब उसको कैद कर दिए। पूरे देश के अंदर स्टेट की छवि खराब होती है। पहली छवि खराब हुई कि मॉब लिंचिंग हुई और मॉब लिंचिंग का मान रहे हैं, बोले नहीं मॉब लिंचिंग नहीं है, सिर्फ 5-6 लोग ने किया है। दूसरा, आपने इंटरनेट पर 40 घंटे रोक लगा दी। नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं GN भारत। द ब्राइट डिज़ायर दुकान का सांसद संजय सेठ द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सांसद संजय सेठ ने रेड फीता काट कर इस दुकान का शुभारंभ किया। साथियों, इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। के टाइम में ये बहुत अच्छा साइन है कि नए नए दुकान खोल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? लोगों का उत्साह है कि हाँ वो खोल रहे हैं बिना डरे कि हाँ चलेगा नहीं चलेगा, इस पर क्या? देखो, अब तो 175 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है, अब दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन। अब तो बूस्टर डोज भी बहुत तेजी से लग रहा है, बच्चों की वैक्सीन लग रही है। जो थर्ड वेव की आशंका थी वो अब तो जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि थर्ड वेव भी ओवर हो रहा है। बाजार में रौनक आ गई है और तभी देखो कि जनवरी में अब तक का हाईएस्ट GST कलेक्शन 1,43,00,000, यानी इतना बड़ा GST कलेक्शन। पहले तो 1,00,00,000 से 1,25,00,00,000, लेकिन इस बार 1,43,000,00,000। तो ये बहुत बड़ा, यानी ये तो जो भारत की इकोनॉमी का किनपिन है ना, बहुत मजबूत है। तभी इंडिया की जो इकोनॉमी है दुनिया में सबसे पहले ट्रैक पे आई है। आज आप कपिल मिश्रा जी से भी मिले हैं, आपको लगता है ये डेमोक्रेसी कहता है, आप जबरदस्ती किसी को रोक लेते हैं, मिलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि तो मौलिक अधिकार, इस पर क्या कहते हैं? देखो कपिल मिश्रा, हमारी जो संस्कृति रही है कि हम किसी में खुशी में जाएं नहीं जाएं, दुख में जाते हैं। एक बंदा दिल्ली से चलकर जनप्रतिनिधि है, विधायक रहे, अभी राष्ट्रीय टीम में है, प्रवक्ता है, अगर वो मिलने आ रहे हैं तो उसमें हर्जा क्या था? पहाड़ थोड़ी टूट जाता, कोई इमरजेंसी थोड़ी है। इसका मतलब आपका लॉ एंड ऑर्डर माने ठीक नहीं है। और तभी एक कपिल मिश्रा आते, आप स्कॉट कर देते हैं, वहाँ पुलिस तंत्र लगा देते हैं, मिलते अपना वो कितने 18,00,000 या 8,00,000 कितने का चेक बना के लाए थे, वो देना था। कोई आदमी बाहर का आ रहा है, पैसा देने आ रहा है, स्वावलंबन के लिए आ रहा है, दुख बांटने आ रहा है, अब उसको कैद कर दिए। पूरे देश के अंदर स्टेट की छवि खराब होती है। पहली छवि खराब हुई कि मॉब लिंचिंग हुई और मॉब लिंचिंग का मान रहे हैं, बोले नहीं मॉब लिंचिंग नहीं है, सिर्फ 5-6 लोग ने किया है। दूसरा, आपने इंटरनेट पर 40 घंटे रोक लगा दी। कश्मीर में जब देश के आतंक खिलाफ देश माने आतंकवादी करते, तब इंटरनेट बैन होता तो यही लोग हल्ला करते थे। आज तो शहर के अंदर हो गया तो आप इंटरनेट बंद कर दिया, अब क्या है? और तीसरा, आपने कपिल मिश्रा को रोक दिया, क्या साहब, क्या क्या डेमोक्रेसी है भारत की? 4 दिन पहले ही तो मॉब लिंचिंग का लॉ बना था, उसके बाद ऐसी हरकत आई। वही मैं कह रहा हूँ ना कि दिखाने वाले दांत और खाने वाले दांत में अंतर होता है। अब देखो किस कदर झारखंड के अंदर ये तो हाउस चल रहा था पार्लियामेंट, और देर रात्रि हमको सूचना मिली, और देर रात्रि हमने स्पीकर को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, माननीय अध्यक्ष जी को उन्होंने इजाज़त दी, तब हमने बात को रखी। फिर पूरे हिंदुस्तान वासियों को पता चला कि भाई ये हुआ है। अब एक पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार के लिए दो शब्द नहीं। जब देखो पूरे हिंदुस्तान में उबाल हो गया तो 3 मंत्री जाते हैं घूमते हुए और बोलते ना ना नहीं मॉब लिंचिंग नहीं है। एक हफ्ता तक क्या कह रहे थे, आपका एक झूठा स्टेटमेंट भी नहीं आया। हम तो हमने पार्लियामेंट में कहा कि छोटी छोटी बातों में मोमबत्ती गैंग तुरंत उतर जाते थे, छोटी छोटी बातों में अवार्ड वापस हो जाते थे। आज हम पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे थे, अभी वोट क्लब में हमने देखा कि कोई एक मोमबत्ती वाला नहीं दिखा, एक भी अवार्ड वापसी नहीं हुई। ये दोहरा चतरे कहाँ चलेगा?
ये दोहरा चरित्र अब नहीं चलने वाला है, अब भारत बदल गया है, अब नया भारत है, ये दौड़ता हुआ भारत है। तो आप ऐसी हरकत करोगे, जनता तो अब जनता के जब एग्जाम में जाओगे तो जनता जवाब मांगेगी। झारखंड में टेक्सटाइल पार्क की क्या संभावना देखते हैं? देखिए बजट में टेक्सटाइल पार्क को लेकर बड़ी योजना बनी है, स्टेट गवर्नमेंट को जगह देनी है, स्टेट गवर्नमेंट जगह प्रोवाइड कराएगी। लग तो नहीं रहा अब आप देखो ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी भी स्थिति राज्य सरकार के उससे अनुकूल नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहीं आती है तो पानी बिजली सड़क और जगह स्टेट गवर्नमेंट देती, बाकी खर्चा केंद्र सरकार देती है। अभी तक मुआवजा नहीं मिला रैयतदारों को, 600 करोड़ रुपये देना है। तो अभी हम जब गए तो हम वीसी ने बताया कि हम तो मेडिकल कॉलेज बड़ी जो है पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आएंगे, तो कैसे होगा? एक एक टाटा जो बड़ा नाम है देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध है, टाटा ने अपने पैसे से कैंसर हॉस्पिटल बना दिया, और कैंसर हॉस्पिटल अब कोई मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं होगी, पूरे झारखंड बिहार उड़ीसा अगल बगल के सब रांची आएंगे। अब इतना बड़ा खर्च करके करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करके बनाया, अब इसमें भी इनको दर्द हो रहा है, अब उसमें जगह वापस ले रहे हैं, क्या हो रहा है भाई? कैसा शासन है, कैसी सरकार है, पता नहीं चल रहा है। तो आप सबने सुना कि सांसद संजय सेठ ने क्या कहा। रांची से सहयोगी सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज, जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।